गोभी के पराठों का नाम तो हमने बहुत सुना है मूवीज़ में, और खाने में भी ये बहुत डिलीशियस होते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लाजवाब गोभी के पराठों की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम गोभी लेंगे, इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है एंड वॉश कर लिया है। देन इसमें ऐड करेंगे व्हीट फ्लाक यानी गेहूँ का आटा, अजवाइन, ये रोस्टेड जीरा और काला नमक मैंने क्रश किया है, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली एंड लास्ट इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन कोरिएंडर। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम विदाउट वाटर इन्हें मिक्स करेंगे क्योंकि गोभी में ऑलरेडी पानी है, क्योंकि हमने वॉश किया था तो हमारा जो डो है गीला ना होने का, इसलिए पहले हम आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी वाटर है वो हमारे जो गेहूँ का आटा है उसके अंदर एब्जॉर्ब कर ले। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और डो को तैयार करेंगे पराठे बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी जल्दी से मिल जाएगी। ये देखिए आटा हमने लगा के तैयार कर लिया है, ये बस हमें अच्छे से मिक्स करना होता है, इसको बहुत देर तक हमें रेस्ट में नहीं रखना है। तो देखिए आटा तैयार हो गया, अब हम इसे पेड़े बनाएंगे और पराठे बेलना शुरू करेंगे। इस तरह से मैंने कुछ सूखा आटा लगा लिया है और हम पराठे को बेलेंगे। तो फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रही हूँ कि जब भी आप पराठे बनाएं गोभी का, क्योंकि इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो जब भी आप डो बनाएं तो तुरंत ही सारे पराठे आप बना लीजिएगा, इसे रखिएगा नहीं कि आप दो घंटे बाद बनाएंगे तो आपने पहले से डो प्रिपेयर कर लिया। तो लीजिए फ्रेंड्स पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे हम तरीके से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा कच्चा वेजिटेबल होता है उसके अंदर से एक नेचुरल वाटर निकलता है जब भी हम किसी भी चीज़ में सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो इसलिए जब भी आपको गोभी के पराठे बनाने हो तुरंत डो बना के आप तुरंत से पराठे बना के रख लीजिए। तो तवा पूरी तरीके से गर्म है, ये नीचे पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है और एक तरफ से जब ये हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे और इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा अगर ऑयल नहीं पसंद है तो आप इस तरह से रेसिपी मैं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल में पराठे बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी रहेंगे। तो अब हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगाएंगे और फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारा पराठा जलने ना पाए, और इसे दोनों तरफ से पलटते हुए हम सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो लीजिए फ्रेंड्स पराठा बिल गया है, हम चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम पराठे को अच्छे से सेक लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही प्यारा। देखिए दिखने में भी लग रहा है कि कितना क्रिस्पी है। और फ्रेंड्स, आगे गोभी के पराठे बनाने की अलग अलग रेसिपीज में लेके आऊँगी, सो डू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा गोभी के स्वादिष्ट पराठे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।